जब से मैं ट्रिप में निकला हूँ तब से मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि माता वैष्णो देवी के दर्शन कब होंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद रात के टाइम ही हम कटरा से निकल चुके थे। बीच रास्ते में ही कार के टायर में पंचर हो गया था और दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमें सवेरा हो गया था। अब तक हम ट्रिप खत्म करके वापस दिल्ली आ गए थे। नवनीत भाई और प्रणव भाई तो दिल्ली में ही वापस अपने घर आ चुके थे, लेकिन मुझे अब दिल्ली से अपने घर जाना होगा। दिल से थैंक्स नवनीत भाई और प्रणव भाई का, जिन्होंने मुझे ये ट्रिप कराया। दिल्ली मोहन नगर में ही ये बस खड़ी थी जिसमें कि एक भी सवारी नहीं थी। मुझे इसी बस में बैठकर मेरठ तक जाना होगा। दिल्ली मोहन नगर से मेरठ के लिए बस तो निकल चुकी है, बस में सवारियां बैठने लगी और हम मेरठ तक आ चुके हैं। यहाँ मेरठ बस स्टैंड में मैंने आकर देखा तो आज कुछ ज्यादा ही बसें मेरठ बस स्टैंड में खड़ी थी। बस स्टैंड में इतनी सारी बसें थी कि बस स्टैंड से निकलते निकलते ही काफी देर हो गई। मेरठ से जैसे ही बस निकली तो बस वाले ने अपनी बस की स्पीड बढ़ा दी। मैं भी अपने स्टैंड पर उतर कर ट्रिप खत्म करके वापस अपने घर पे आ गया। और ये वो मेरा घर है जो मुझे महल से भी ज्यादा प्यारा है, क्योंकि इस घर में मेरी मनमर्जी चलती है। इस घर में जो मैं चाहता हूँ मैं वही करता हूँ।